गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सभी। अभी तक बारिश नहीं हो रही थी और अभी जब बारिश हो रही है तो बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरा अभी ऐसे सब पड़ा हुआ है क्योंकि नमन अभी गए हैं स्कूल, उनको छोड़ के आए हैं। और फटाफट से सबसे पहले मैंने क्या किया, अभी आप सभी को बारिश दिखाती हूँ। पहले ये देखिए, जब मतलब बंद नहीं हो रहा है और वो मैंने वहाँ पे चटाई रखी हुई है धुलने के लिए, बाद में मैं धुलूँगी। और ऐसे मैंने सोचा तब तक बारिश में रख देते हैं तो साफ़ हो जाएगा। देखिए, और मुझे जाना है नमन को लेने। सोच रही हूँ क्या करूँ, और मुझे मतलब भीग जाती हूँ तो फीवर होता है बहुत जल्दी तो। और मैंने गलत ये किया है कि मैंने रेनकोट नहीं लिया है, अगर लिया होता तो मेरे लिए सही था, क्योंकि अभी तो ऐसे मुझे पैदल जाना पड़ेगा लेने। और ये देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे घी रखी है, और क्योंकि मैंने ये देखिए मेरा पहुँच के तुरंत मैंने जो है सबसे पहले घी निकाला है कि मैंने सोचा तब तक रख दूँगी, घी पकेगी और इसके बाद जो है तब तक ये सारा काम मैं समेट लूँगी और मेरी कढ़ाही भी खाली हो जाएगी। और मेरी आदत है ये कि मैं बहुत सारे बर्तन नहीं करना चाहती, और मेरे पास है कढ़ाही, ऐसी बात नहीं है, दूसरी कढ़ाही है, लेकिन ये सही रहेगा कि हो जाएगा फिर उसको दूसरा निकालो फिर उसको रखो, तो इससे सही है कि जब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अभी मैंने आप सभी को सोचा थोड़ी सी बारिश दिखा दूँ। अभी मैंने नहाया भी नहीं है, घर की क्लीनिंग बाकी, क्योंकि जानबूझ के नहीं नहाया मैंने आज, क्योंकि वैसे मैं बहुत कम ही नमन को छोड़ने से पहले नहाती हूँ, आके ही नहाती हूँ क्योंकि क्लीनिंग करना रहता है, तो इसलिए कि पैदल जाना था और बहुत सारे मतलब पानी पानी सब वहाँ से कचरा कचरा हो ही जाता, तो फिर आके मुझे नहाना ही पड़ता, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आके ही नहाऊँगी, तो अभी सारा काम मैं समेट लूँगी। तब तक ये देखिए मेरा ये पक जाएगा और मैं अपना काम भी कर लूँगी साथ के साथ, फटाफट हो जाएगा। उसके बाद नहा लेंगे और लंच बनाएंगे, फिर नमन को लेने जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, सारा काम ख़त्म करके फिर मैं मिलूँगी आप सभी से, ठीक है, बाय बाय। और अगर यहाँ पे साफ़ सफाई मैंने कर ली ना, तो जान लो कि मैंने सारा काम कर लिया, क्योंकि और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दिक्कत ये है कि बंदर आ जाते हैं तो मैं मुझे बड़ा डर लगता है बंदर से भाई। कुछ लोग जैसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं डर लगता, वो लाठी डंडे से भगा देते हैं, तो ये आदत सी हो गई है। और मुझे तो इतना दिन हो गया, ये समझ लीजिए 12 साल हो गया यहाँ पर बंदरों के साथ में रहते रहते, लेकिन मेरा डर जो है नहीं ख़त्म हो रहा है। मैं और किसी चीज़ से नहीं डरती, लेकिन मुझे बंदर से बड़ा डर लगता है। मैं तो भैया अगर कुछ खा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं, मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ, नुकसान सह लेती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बंदर को नहीं भगा पाऊँगी, ये हालत है मेरी। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बंदर लोग नहीं हैं और मैंने फटाफट से झाड़ू लगा ली, क्योंकि कल भी मैंने नहीं लगाया था और कल लगाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि गंदा हो रखा था। जैसे हो जाता है कि एक दिन बाद हम लगा ही देते हैं, डेली तो नहीं लगाते, एक दिन बाद लगा देते हैं। अब ठंडी का मौसम आ जाएगा तो डेली लगाएंगे, क्योंकि यह जो है वह ठंडी के मौसम में ज़्यादा छत पे पूरा दिन ही समझ लो निकल जाएगा, तो इसलिए। और गर्मी में सुबह शाम बैठते हैं थोड़ी देर और मच्छर भी बहुत होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं जाता, लेकिन तब भी रहते हैं गर्मी में भी, और लेकिन ठंडी में ज़्यादा टाइम रहते हैं, तो इसलिए ठंडी में फिर धूप का भी कोई टेंशन नहीं है कि अभी धूप हो गया है और फिर कैसे झाड़ू लगाएं यहाँ पे। तो अभी तो गर्मी के मौसम में ये भी हो जाता है कि सुबह में अगर टाइम नहीं मिला, सुबह में नहीं लगा पाए, तो जो है धूप हो गया, फिर मन नहीं होता, तो फिर ये होता है चलो शाम को कर लेंगे, और शाम को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। शाम को सोचती तो हूँ कि कर लूँगी, लेकिन जब तक धूप ख़त्म होती है तब तक, जब तक मतलब सोचती हूँ कि करेंगे, तो फिर धूप रहती है और धूप ख़त्म होती है तो बंदर आ जाते हैं, तो कई सारे रीज़न हो जाते हैं, इस वजह से रह जाता है। और ये सारे पौधे इधर उधर हो गए थे क्योंकि जब बारिश हुआ था तो ये बीच बीच में जो है कचरा हो गया था, तो इस कचरे की वजह से जो है पौधा इधर किया गया था। अभी ये रास्ते में आज मुझे चोट भी लग गई थी, वही हो रहा था कि रोज़ रोज़ मतलब वादा हो रहा था, मैंने सोचा अभी हटा देंगे अभी हटा देंगे, और बस ऐसा करके आजकल हो रहा था, इसी चक्कर में जो है वादा हो जा रहा था, और वादा में जब मुझे चोट लग गई फिर मैंने उसको, मुझे एकदम से ये हो गया कि हाँ भाई इसको साइड में कर देना है,
तो बस इसी तरीके से ये मेरा सारा काम होता है कि मैं इनको नहाने के पहले, अब जिस दिन मैंने नहीं नहाया है उस दिन भी और जिस दिन नहा लेती हूँ सुबह में उस दिन भी, तो यही होता है कि मैं जब आती हूँ तो सीधा लग जाती हूँ अपने काम में। बस 10 मिनट फ़ैन चलाते हैं, उसके नीचे बैठते हैं, क्योंकि जब मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आती हूँ तो मुझे एकदम से, वैसे पैदल तो अब नहीं जाती मैं स्कूल, पहले पैदल जाती थी लेके, लेकिन अभी नहीं जाती हूँ, अभी तो स्कूटी में जाती हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ थकान हो गई, लेकिन सीढ़ी चढ़ के आते हैं मुझे तो मैं थक जाती हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे फटाफट से सारे काम मेरे हो जाएंगे, और घी भी निकाला था मैंने, बहुत सारा काम था, तो ये सारे काम मेरे फिनिश हो गए, और इसके बाद अभी नहाएंगे, फिर आप सभी के लिए जो है वीडियो भी बनाती हूँ, 2-4 मिनट बातें करती हूँ, अपलोड कर देती हूँ, जो भी मेरा मन करता है कुछ भी, जैसे नहीं मन करता है गाइस ब्लॉगिंग इतना लंबा, छोटी छोटी क्लिप जो है शूट करो फिर इसके बाद एडिट करो, तो किस किस पर अपलोड करें नहीं हो पाता है, तो 2-4 मिनट आप लोगों से बातें करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और आप लोग उसमें मुझे सपोर्ट करते हैं, अपना प्यार भी देते हैं, तो थैंक यू सो मच। बस इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहें, मैं आप लोगों को जितना ही थैंक यू बोलूँ उतना कम है गाइस, जब किसी ने नहीं सपोर्ट किया तो आप लोगों ने सपोर्ट किया है मुझे, ये सोच सोच के कभी 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 अकेले में जब सोचती हूँ तो बहुत ही, मतलब सोचती हूँ कि भाई आप लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे, तो बस इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहें, और अब मैं मिलूंगी आप लोगों से किसी न्यू वीडियो में, तो चलिए अभी के लिए बाय। और आज मुझे ना जाना है थ्रेडिंग में बनवाने, ये देखिए मेरा, मतलब मैं इतने दिन से वादा रह जा रहा है, और पता नहीं बोल रही हूँ वीडियो में, लेकिन पता नहीं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, और आप लोग वीडियो में देखेंगे तो खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं गई थी कि नहीं गई थी, क्योंकि मेरा ये हो जाता है, अब देखिए इतना मतलब बंदर आ गए हैं, मैं क्या ही करूं, मैं झाड़ू लगा रही थी, मेरा बीच में जो है बंदर आ गए, और भी काम है अभी बाहर, सारे कपड़े, रात को बारिश हुई थी तो बाहर कपड़े हैं अभी वो गीले हैं, तो उनको रखना है, मतलब डालना है वहाँ, थोड़ा हवा हवा चल रही है, देखिए सीढ़न आ गई है यहाँ पे, ऐसे अगर ज़्यादा बारिश हुई तो लग रहा है मुझे कि पानी नीचे आ जाएगा, पता नहीं, तो क्या कर सकते हैं गाइस। चलिए मैं ब्लॉग को अपने यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, मिलूँगी किसी न्यू वीडियो में, क्योंकि कोई भरोसा ना है कि ये बंदर कब जाएंगे, और मैं चल रही हूँ अभी, मुझे ये सब देखिए पूरा फैला है, और मैं पहले बाहर का ही, जैसे आप सभी को पता है मैंने कई वीडियो में बोला है, मैं बाहर ही झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि बाहर धूप हो जाती है, मैं झाड़ू लगा रहता है, मतलब सर दर्द कर रहा है ऐसे ही, मैंने जूड़ा बना लिया था ऐसे ही, रबड़ लगा लिया था, तो मतलब यहाँ पे, मतलब सुबह यहाँ जब हम सुबह उठते हैं तो झाड़ू सबसे पहले रूम में लगाते हैं, किचन में लगाते हैं, बाहर बरामदे में लगा, छत का रह जाता है, छत पे तो कहीं लेट हो जाता है ना मन को स्कूल जाने में, तो इसलिए तो सबसे पहले आती हूँ मैं छत पे ही, जब भी मुझे झाड़ू लगाना होता है, कई बार होता है कि किसी दिन नहीं लगाते, नहीं मन करता है, तो और सबसे पहले छत पे ही झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि वहाँ धूप हो जाती है तो फिर नहीं हो पाता, वादा रह जाता है, तो अब लगेंगे अपने रूम में, और इसके बाद अभी मैंने नहाया भी नहीं हुआ, चल रही हूँ नहाऊँगी, और फिर आप सभी से मिलूँगी, ठीक है, बाय बाय।